हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए क्लासेस। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी में से बहुत सारे व्यूवर्स ने ये कंप्लेन की है कि आपके वीडियो के ऑडियो क्वालिटी जो है अच्छी नहीं रहती है, तो मैं अपने वीडियो के ऑडियो क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बोया का एक M1 माइक मंगवा लिया हूँ। आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये बोया का M1 माइक है। इस माइक का मैं आगे वाले वीडियो में यूज करूंगा और इससे ऑडियो क्वालिटी काफी इम्प्रूव होगी। तो मैं आज इस माइक के बारे में मैं बताऊंगा। ये बहुत अच्छी माइक है। आप देख रहे हैं ये इधर पीछे साइड भी देखिए, इसमें डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। तो ये मैं अमेजन से मंगवाया हूँ और इस माइक का यूज करने से मेरे वीडियो की ऑडियो क्वालिटी जो है वो काफ़ी इम्प्रूव कर जाएगी और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो मैं आज इस माइक का अनबॉक्सिंग करूंगा और इसके ऑडियो क्वालिटी को भी चेक करके मैं बताऊंगा, टेस्ट करके। आप भी अगर चाहें तो इस माइक को, अगर जरूरत महसूस होता है तो आप इस माइक को ले सकते हैं। तो चलिए आज इस बॉक्स का अनबॉक्सिंग देख लीजिए और इसकी ऑडियो क्वालिटी को भी मैं चेक करके बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको अनबॉक्स करते हैं। आप यहाँ से देख रहे हैं ये यहाँ से खुल रहा है। खोलने के बाद आप देख रहे हैं कि इससे एक बैग निकल रहा है। इस बैग में माइक है और ये कुछ और ये है वारंटी कार्ड और इसके साथ में ये मैनुअल निकल रहा है। ये मैनुअल जो होता है वो कोई जनरली पढ़ता नहीं है, इसमें सारा डिटेल्स दिया हुआ है। तो इस मैनुअल को अभी रखते हैं साइड। हम लोग देखते हैं मेनली इस बॉक्स में, इस बैग में क्या है। तो इस बैग में सबसे पहले आप देखिए कि एक ये माइक निकल रहा है और माइक का ये जो वायर है उसका लेंथ 6 मीटर्स है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये बोया का माइक है, 6 मीटर्स है। और यहाँ पर एक बैटरी लगाने के लिए दिया हुआ है और ये जो है वो माइक हो गया। और देखते हैं कि इसके अंदर में क्या है। तो इसके अंदर में हम लोग निकालते हैं तो ये आप देखिए, और साथ में मैं इसको खोलता हूँ तो आप ये देख रहे हैं ये अडाप्टर है, 1/4 इंच का ये अडाप्टर हो गया। और ये और इसके अंदर एक ये क्लिप हो गया, ये लेपल क्लिप है जो ये टाई के साथ लगता है या कॉलर में लगता है, ये लेपल क्लिप। और इसके साथ में एक बैटरी है, ये आप देख रहे हैं ये बैटरी हो गया, ये LR44 बैटरी है। ये बैटरी कहाँ लगता है मैं दिखाता हूँ इस बैटरी को, कि बैटरी जो है वो कहाँ पर लगता है। तो इस बैटरी को मैं निकाल लिया हूँ और आप देख रहे हैं ये इसको ये इस तरीके से खुल जाता है। और खोलने के बाद यहाँ पर एक बैटरी लगेगा, ये देखिए ये आप दिख रहा है इसके अंदर में बैटरी लगेगा। ये मैं बैटरी लगा लिया हूँ और बैटरी लगाने के बाद इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ, तो ये बंद हो गया। और इसके साथ में और क्या है, ये जो है वो अडाप्टर हो गया। अडाप्टर अगर माइक मोबाइल में लगाना है तो मोबाइल में यही अडाप्टर लग जाएगा, और अगर मोबाइल में नहीं लगाना है तो ये आप यहाँ पर लगा करके, ये यहाँ लगा करके और फिर एम्पलीफायर में लगा सकते हैं ये। और ये जो माइक है, ये माइक आप DSLR कैमरा में भी लगा सकते हैं, फ़ोन में भी यूज कर सकते हैं और आप अपने PC में भी यूज कर सकते हैं। ये लग जाएगा यहाँ पर, आप देख रहे हैं इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ। इसको लगाने के बाद मैं इसको फॉर्म, जो विंडो स्क्रीन फॉर्म है, इसको मैं लगा दे रहा हूँ यहाँ पर। तो ये फॉर्म भी लग चुका है, अब ये रेडी हो चुका है। अब ये रेडी हो गया, अब इसको हम लोग जरा टेस्ट करते हैं इस माइक को। अब जो ये साउंड सुन रहे हैं, ऑडियो जो आपको सुनाई दे रहा है, वो मैं माइक यहाँ पर लगाया हूँ उस माइक का है। और पहले मैं जो रिकॉर्ड करता था, मैं सिर्फ स्मार्टफोन से रिकॉर्ड करता था, उसी के ऑडियो रहती थी स्मार्टफोन का, बिना कोई माइक यूज किए। लेकिन मैं अब जो माइक यूज कर रहा हूँ वो और बिना माइक यूज किए, दोनों के क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी में क्या डिफरेंस है, यह आप इसको जज कर पा रहे होंगे। माइक यूज करने से बैकग्राउंड नॉइज जो है वो बिल्कुल रिमूव हो जाता है और साउंड काफी सॉफ्ट हो जाता है। वोकल का भी कुछ नॉइज जो रहता है वो भी हट जाता है। तो ये जो माइक मैं अभी अनबॉक्स किया हूँ, ये माइक मैं अमेजन से मंगवाया हूँ, 990 का ये माइक है। तो अगर आप कोई यूट्यूबर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो यूट्यूबर को माइक यूज करना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि ऑडियो क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है उससे और नॉइज़ बिल्कुल हट जाता है।
तो अगर कोई यूट्यूबर देख रहे होंगे या किसी को माइक की ज़रूरत है तो आप इसको DSLR कैमरा में भी यूज कर सकते हैं, PC में भी यूज कर सकते हैं, स्मार्टफोन में भी यूज कर सकते हैं। कोई वीडियो बनाने का शौक रखते हैं तो ये माइक आप यूज कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। अगर मार्केट में अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप अमेजन से परचेज कर सकते हैं। अमेजन में ये अवेलेबल है, काफ़ी बजट वाली माइक है, ओनली 990 की माइक है ये, तो आप इसको यूज करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से जा करके परचेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।